सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज यहाँ पर आप यहाँ पर इकट्ठा हो, क्या वजह, क्या कारण है इसका? यहाँ पर साहब ये है कि हमारे खेतों में फसल बूबी थी और नहर खानी हो गई, तो खानी से जो है पूरा पानी वहाँ हमारी फसल में भर गया। क्या कारण है इस पानी का भरने का? ये पानी कहाँ से आया और क्यों आया? पानी नहर से आया है और नहर विभाग की लापरवाही से ये सब कुछ हो रहा है। बालू के ट्रैक्टर निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, रास्ता पूरा कट चुका और वहाँ से कोई रोक नहीं लगा रही गवर्नमेंट, और उसमें जो है हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, फसल में कुछ होना नहीं है। जैसे कि अभी पता चला है, आपने बताया कि यहाँ पर आपने 2 लाख रुपए की लागत लगाकर जो खेती कर रहे थे और इस समय पानी लबालब भरा हुआ है जिससे कि आपकी फसल दिख रही है कि बर्बाद हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार, हमारे बच्चों की शादी है, हम शादी नहीं कर सकते और हमारी जो पेमेंट होना था आज फसल का, जो बरसी बोबी थी उसमें 40-50 हज़ार रुपये आज मिलना था, वो भी नहीं मिलेगा, और जो लाही की फसल थी वो भी पूरी चौपट हो चुकी। तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या मुख्य कारण है इसका? हमको सरकार से मदद चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएं।